क्या बोल रहे थे मारते वक्त? मारते वक्त गाली दे रहे थे वे, जो जैसे कुर्ता पजामा पहन रखा था हमने, उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे थे। ये कह रहे थे तुम्हारा अल्लाह आएगा कि अब देखेंगे हम बचाने तुम्हें। जी वे मार मार के लगवा रहे थे नारे वगैरह, यूँ बोल रहे थे जय श्री राम को। जय श्री राम जी। सब 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 बच्चे जी सबसे। कितना उम्र है तुम्हारा जी? 14 साल। तुम्हारे जैसे और भी बच्चे वहाँ पे थे? जी बहुत थे। जा रहा था? जी हाँ जी। मतलब जो 18 साल के कम के बच्चे जी थे, और भी थे? जी। सबसे छोटा लड़का है मेरा वो, और वो तो गया भी 4:10 पे था, मगर वो एक बच्चे के साथ था। वो हमने फोन करा उसे कि तू आ जा भैया, वहाँ लड़ाई हो गई, दो दो लड़के भी ख़त्म हो गए। तो बोला मैं आ रही हूँ नखासे में हूँ। तो उस लड़के का हाथ छुटा के वो क्या बोला, तू चल मैं आ रही हूँ। ये चल दिया वहाँ कोतवाली की तरफ को, घंटे के घर की तरफ को, उस लड़के को देखने जो मरा था। तो इसे वही कोतवाली पे ही पकड़ लिया जी। मैं नमाज पढ़ के जैसे घर आया, घर के बाद मैंने देखा बाहर निकल के तो पब्लिक भाग रही थी। मैं फिर घर आ गया अपने, घर आके मैंने पूछा मम्मी से, मैंने भाई कहाँ है? तो भाई को देखने गया मैं, भाई को जैसे देखने गया तो पुलिस वालों ने वहीं से 2-3-4 इधर से भी गाड़ी, सारे चारों तरफ से गाड़ी आ रही थी, तो वहीं से पकड़ लिया मुझे डंडा मार के पैर में। पकड़ के गाड़ी में बिठाया, वहीं पे मारा मेरे को। वहीं पहले वहीं जी, पे मारा। वहीं पे बहुत मारा उन्होंने। वहीं पे बहुत मारा जी। और भी लोगों को तुम्हारे साथ पकड़ा गया? नहीं, अकेले को पकड़ा था। मैं बाद में गया ना जी। तो तुम कुछ कहने का कोशिश किए कुछ? जी मैं बोल रहा था मैंने भाई को देखने आए, तो उन्होंने सुना नहीं। कुछ बोल रहे थे मारते वक्त? माँ बहन की गाली दे रहे थे, और जो हमारे यहाँ है उन्हें सबको गाली दे रहे थे, कौन कौन थे तुम, यूँ कह रहे थे कौन कौन है सारे बताओ। मैंने कहा जी मैं तो किसी को जानता भी नहीं यहाँ पे। बाहर में जैसे निकला एकदम पकड़ लिया। पूरी रात रहा ये कोतवाली में और हमें पता न चला। हम तो यही सोचते रहे, एक दिन तो जुम्मे के दिन तो यही सोचा कभी सुबह लो आ जा कहीं दुपकरिया हो। फिर उसके बाद में जब हम ना आया और फोन बंद हो गया, तो हमने कही जब मोबाइल छीन लिया इसका तो पुलिस के हाथों में गया ये। और फिर डॉक्टर साहब के हाँ पता चला रात को, तीसरे दिन रात को। तो जब बताया तो बोले कि वो बरेली में है। उन्होंने कम से कम मुझे आधे घंटे तक के यहीं पे मारा, सड़क पे ही? जी हाँ जी। फिर उसके बाद तो वो गाड़ी में बिठा जी, गाड़ी में बिठा के गाड़ी में भी मारा, गाड़ी में भी मारा जी। जैसे मुझे यहाँ से ले गए तो मैं रो रहा था बस, मैं कह रहा था उन्हें जिन्होंने मुझे पकड़ा, मैंने अम्मी अब्बू पे फ़ोन करा दो मेरे, उन्होंने कराया नहीं। फिर 4 दिन तक के मुझे वहाँ पे रखा, मैंने जब भी कहा उन्हें मैंने फ़ोन करा दो मेरा, उन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं कराया। क्या पूछ रहा था मार के? मार के ये पूछ रहे थे 100 आदमियों के नाम बताओ। 100 आदमियों के नाम बताओ जी। वहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा मारा उन्होंने। फिर दोबारा बार बार आ रहे थे और बार बार मार रहे थे। कैसे मार रहे थे शरीर को? जी वर्दी वाले थे। कुछ बोल रहे थे इस समय भी गालियों का? जी गालियाँ दे दे के बोल लेते, और जो हमारा कलाम पाक है उसे भी गाली दे रहे थे बहुत बहुत। किसको? कलाम पाक जो है हमारा, उसे भी गाली दे रहे थे। अच्छा बताया क्या? कुछ ना, वो अभी कुछ है वैसे 14 साल का हो गया, मगर उसमें इतनी चलाके ना, बस रो पड़ा देख के, जना डरा जना क्या बात पता ना। अब मगर अब तो बहुत रो रही है, वो छोटा है ना, और सब उसके साथ बड़े बड़े हैं, तब आप कैसे हमारे हाथ में थू रही है वो जो हम ला में, हमारे तो यही बस की बस कोशिश ही कर सकते हैं, तो अब कैसे हो गए। फिर उसके अगले दिन तुमको फोन करने नहीं दिया गया? जी नहीं। क्या बता क्या रहे थे, कैसे दिन कैसे कट रहा था तुम्हारा सुबह से रात तक? सुबह से रात तक के बस ऐसे ही बैठे बैठे कट रहा था। जिसे भी आए करे थे मैंने पानी दे दो, गाली दे के देख रहे थे पानी भी अगर देख रहे थे। तो
खाना दिया ही नहीं, खाना भी नहीं दिया दो दिन तक की, तो खाना भी नहीं दिया। जहाँ पे तुम सारा दिन रहते थे वो क्या लॉकअप था वहाँ पे? वो था जेल जैसा दिखता है वैसा था? नहीं नहीं, ऐसे था सिंपल ही। पुलिस लाइन में जो उनके बैरक रहने की होते हैं जी जी, उसमें था सिविल लाइन थाने के सामने जी जी। हाथ को चोट कैसे आई? हाथ में सरिया गरम करके लगाया है। ये पुलिस थाने में हुआ मतलब? यहीं पे सड़क पे जी, आग में डालने लग रहे थे वे मुझे, जैसे मुझे पकड़ा और मारते मारते आग में डालने लग रहे थे, फिर मेरा हाथ जलाया, दो पुलिस वालों ने बचाया मुझे, कहने लगे ऐसा आग में मत डालो, इसे गाड़ी में डाल लो। जी मारते हुए जी, यही पहन के खून की निशान आप ही की जी। अब हमारा हाथ में थोड़ा ही, हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, मगर भैया अब तो चला ही गया वो। और अब तो मुझे भी बड़ा याद आवे सबसे छोटा आवो।